से लाए, वेद पुराणों से लाए, से करने जन कल्याण। खोज खोज पूरा पढ़ डाला, रामचरित से हमने निकाला। आचार्य राज मिश्रा देंगे हर मुश्किल का समाधान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है मानस ज्योतिष ज्ञान, और मैं हूं आपके साथ मोहिनी। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपके जीवन में चल रही हर एक समस्या का समाधान आपको श्री रामचरित मानस की चौपाइयों के माध्यम से मिल सकता है। तो ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हर बार की तरह इस बार भी हमारे स्टूडियो में उपस्थित है श्री रामचरण अनुरागी आचार्य श्री राज मिश्रा जी। तो आइए आचार्य जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। ओम कर चरण कृतम कायजम कर्म जम श्रवणन जम मान क्षम पराधम विहितम विहितम श्रवमेतक्षमस्वा। जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभु। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि इस कार्यक्रम को देखने वाले और सुनने वाले आप सभी दर्शकों पर उनका शुभ आशीर्वाद बना रहे, ताकि आप सभी का जीवन समस्त प्रकार की सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। बिल्कुल, इसी मंगल कामना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताना चाहूंगे, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, कोई भी परेशानी है और आप चाहते हैं कि आचार्य जी से उसका समाधान प्राप्त करें, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाया जा रहा है, आप कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, संस्थान के नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। आचार्य जी, आज मैं बात करना चाहूंगी मंगल रेखा पे। मंगल रेखा मैंने बहुत सुना है ज्योतिषी में कि क्या होती है, हमारे हस्त रेखा में होती है, मंगल रेखा का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और सबसे पहले ये मंगल रेखा होती क्या है? अगर हम मंगल रेखा की बात करते हैं तो मंगल रेखा वाक्य में हमारे जीवन को, जीवन में पौर शक्ति को जागृत करने का, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को, हमारे आत्मविश्वास को जागृत करने की एक रेखा है, हमारे जीवन में वृद्धि प्रदान करने की एक रेखा है। श्री रामचरितमानस में एक दोहा है कि हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। मंगल रेखा क्या होती है? मंगल रेखा हमारे जीवन रेखा की एक प्रकार से सहायक रेखा मानी जाती है। सभी लोग ध्यान से देखें, यहां से द्वितीय मंगल क्षेत्र से आरंभ होकर के शुक्र क्षेत्र को घेरती हुई मणिबंध की तरफ आने वाली रेखा को हम मंगल रेखा के नाम से पुकारते हैं। मंगल रेखा के नाम से इस रेखा को पुकारा जाता है। ये रेखा उन लोगों के हाथों में अंकित होती है जो शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, जो अपनी मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वो रेखा ऐसे जातक के हाथ में अंकित होती है। बहुत कम लोगों के हाथ में ये रेखा पाई जाती है, लेकिन जिनके हाथ में भी ये रेखा पाई जाती है वो लोग अपनी मेहनत खूब करते हैं और अपने मेहनत के बाद अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। यदि ये रेखा जीवन रेखा के बिल्कुल साथ होकर के चले तो ऐसी परिस्थिति में जातक को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है, समाज में बहुत सुंदर नाम की प्राप्ति होती है। यदि ये रेखा इसके साथ चलते हुए यहां से एक शाखा निकल करके और जीवन रेखा को काटते हुए आगे निकल जाए तो भी जातक को अपने मेहनत के बल पर जीवन में बहुत अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होती है। मंगल रेखा के होने से हमारे शरीर के अंदर प्राण शक्ति हमारी जो है वो अच्छी हो जाती है, ताकतवर हो जाती है और हमारे जीवन रेखा को बल प्राप्त होता है, जिसके कारण हमारा शरीर सदैव स्वस्थ रहता है, सदैव हम ऊर्जावान रहते हैं, सदैव एकाग्रचित रहते हैं और जीवन में हम आगे बढ़कर के अपने जीवन को सफलता प्रदान कर पाते हैं। अब लेकिन कई भेद होते हैं, जैसे ग्रह में होते हैं कि ग्रह ऊंच का भी हो सकता है, नीच का हो सकता है, ग्रह का अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। उसी प्रकार रेखाओं का भी हमारे जीवन पर दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है। यदि ये रेखा
जीवन रेखा से दूर होकर के मंगल क्षेत्र से निकलती है तो निश्चित रूप से जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को बेहतर करने वाली, व्यक्ति को एकाग्रचित करने वाली होती है। लेकिन इसकी जो दूसरी प्रकृति है वो थोड़ी सी नुकसानदेह होती है। यदि मंगल रेखा हमारे जीवन रेखा, जो हमारी ये जीवन रेखा है, यहां से प्रारंभ होकर के निकले तो निश्चित रूप से व्यक्ति के विचारों में बहुत ज्यादा परिवर्तन कर देती है। व्यक्ति झगड़ालू स्वभाव का हो जाता है, व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो जाता है और व्यक्ति वो बदला लेने के लिए उतावला रहता है, जिस कारण से उसका जीवन संघर्षमय रहता है। आगे और बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताने का प्रयास करूंगा और श्रीरामचरितमानस से कैसे इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं वही बताऊंगा आगे की परिस्थितियों में। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने बताया कि मंगल रेखा आखिरकार क्या होती है और हमारे हाथ में वो कहां पे स्थापित होती है। अगर आप भी अपने जीवन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, हस्तरेखा के माध्यम से अपने जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट वाले नंबरों पर आपको संपर्क करना होगा। आचार्य जी, कॉलर बहुत देर से जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं। आचार्य जी आपको सुन रहे हैं। हेलो जी, प्रणाम आचार्य जी। जय श्री राम भैया, कैसे हैं आप? अच्छा आचार्य जी, आपका मैं 300 से रोज आपका प्रोग्राम देखता हूँ जी, मुझे और आपके मेरे परिवार को आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। चलिए बहुत धन्यवाद भैया, बताइए क्या बात है। आचार्य जी, आप जो उपाय बताते हैं उससे हमें पक्का और हमारे परिवार को बहुत बेनिफिट होता है और हम उपाय करवाते भी हैं। जी धन्यवाद। लेकिन मेरी एक समस्या अभी यहाँ पर आ गई है, उसके लिए मैं आपसे एक उपाय जानना चाहता हूँ। बताइए क्या बात है। आचार्य जी, अरे कुछ दिनों पहले ही मैंने दिल्ली में अपना एक प्लॉट लिया है। अच्छा, तो उस प्लॉट में थोड़ा समस्या आ रहा है, जैसे कि कुछ झगड़े विवाद हो जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? डेट ऑफ बर्थ बता देंगे मुझे अपना जी? जन्म तिथि बता देंगे अपनी जी? मेरी जन्म तिथि है 21 मार्च 1996। 21 मार्च 1996। हाँ जी। टाइम बताइए। 10:58 रात्रि के। 10:58 रात्रि के। कहाँ पर जन्म हुआ है? जी मेरा जन्म बिहार में हुआ है, जिला मुजफ्फरपुर। बिहार मुजफ्फरपुर में हुआ है जी। आपने घर लिया था दिल्ली के अंदर, उसमें समस्या है? हाँ जी, दिल्ली में लिया था जी। जैसा कि अगर हम यहाँ पर परिस्थितियों को उठा करके देखते हैं, आपने बताया कि आपने दिल्ली के अंदर, आप सबसे पहले तो आप हमारे बताए हुए उपायों का प्रयोग करते हैं, कार्यक्रम को इतना पसंद करते हैं, बताए हुए उपायों से आपके परिवार को लाभ हो रहा है, आपने यहां पर आकर के बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई है, प्रसन्नता है और मैं भगवान से सदैव प्रार्थना करूंगा कि उनका आशीर्वाद इसी प्रकार आप सभी लोगों पर बना रहे ताकि आप लोग अपने जीवन को बेहतर तरीके से व्यतीत करते रहें। अब आपने दूसरी चीज बताया कि आपने एक घर खरीदा था और उस घर के कारण जब से आपने घर लिया है तो कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कतें आपके साथ। मैं एक बात बताना चाहूंगा, घर के कारण दिक्कतें नहीं हो रही हैं, ये जो आपका विचार है ये परिवर्तित करने लायक विचार है। क्या है? कर्क राशि पर आजकल राहु का गोचर हो रहा है, मानसिक तनाव अपने आप उत्पन्न होने वाला है, घर में दिक्कतें अपने साथ उत्पन्न होने वाली हैं। अच्छा, उसके साथ क्या है, कर्क राशि पर राहु का गोचर होने के साथ साथ यहां पर इस टाइम जो दशा चल रही है वो शुक्र की ही दशा चल रही है, शुक्र का ही अंतर चल रहा है और शुक्र आपकी कुंडली का मार्केश है। तो जब भी कुंडली में मार्केश जैसा कोई ग्रह चलता है तो हमारे जीवन में व्याधियां उत्पन्न करता है, अनेक प्रकार की रुकावटें उत्पन्न होती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुत सिंपल सा उपाय है, श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 23 और 24 नियमित रूप से इसका पाठ कर लीजिएगा, आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आपने जो घर लिया है उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी और जीवन बेहतर तरीके से व्यतीत कर पाएंगे। बिल्कुल, तो जो भी आचार्य जी ने अचूक उपाय बताया है, चौपाइयां बताई हैं, उनका पालन करिए। मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में बदलाव जरूर आएंगे और आपका जीवन संपन्न हो जाएगा। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मिलकर आचार्य जी से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं, संस्थान के नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कराना होगा। अगर आप प्रभु रामचंद्र जी का आशीर्वाद यानी कि श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवाना चाहते हैं, सिद्ध रत्न मंगवाना चाहते हैं या फिर रुद्राक्ष मंगवाना चाहते हैं, तब भी आपको संस्थान नंबर पे संपर्क करके रुद्राक्ष मंगवाकर अपने गले में धारण करना होगा, जिससे कि आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी समस्याओं का समाधान होता जाएगा। इसी के साथ अब वक्त हो चुका है आगे की 3 राशियों के बारे में जानने का, आइए आचार्य जी से जानकारी प्राप्त करते हैं। आचार्य जी, पहले 3 राशियों के बारे में जानना चाहूंगी।
चक्र की प्रथम राशि मेष के लिए आज की परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हैं, लेकिन यदि सावधानी रखेंगे तो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आज आपको अपनी वाणी का अधिक प्रयोग करना है, वाणी समाज को प्रभावित करने वाली होगी। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं तो घर वालों से राय लेकर के उस डिसीजन को लें, निश्चित रूप से आपकी दिक्कतें दूर होंगी। आज आपके लिए 2 का अंक लाभप्रद रहेगा, हल्का लाल रंग लाभप्रद रहेगा। शुभ समय होगा शाम का 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक का, दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि वृष के जातक, आज की परिस्थिति अच्छी है, शादी नहीं हो पा रही है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, आज शादी के लिए प्रयास कीजिए। मैरिज ब्यूरो इत्यादि जो है उनमें रजिस्ट्रेशन कराइए, शादी के लिए रिश्तेदारों से बात कीजिए, जरूर रिजल्ट आएगा, 1 महीने के अंदर आ जाएगा, आपको सफलता प्राप्त होगी, पति पत्नी के आपसी संबंध बेहतर होंगे। 5 का अंक और नीला रंग बेहतर है। शुभ समय रहेगा 12:20 से 3:30 तक का, दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि मिथुन के जातक, बहुत अच्छा दिन है, कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं, सफलता प्राप्त होने वाली है, सरकारी क्षेत्र में रुका हुआ कार्य संपूर्ण होगा, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कतें होने वाली हैं, इसलिए पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आपके लिए 6 का अंक और नीला रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय होगा शाम का 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक का, दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने पहले 3 राशियों के बारे में हमें जानकारी दी, बताया कि किस तरह से पहली 3 राशियों के जातक अपना दिन व्यतीत करेंगे। जो भी आचार्य जी ने चौपाइयां बताई हैं उनका पालन करिए, मैं आशा करती हूँ आज आपका दिन अच्छे से व्यतीत होगा। दर्शकों, ऐसा होता है कभी कभी आप कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाते हैं, आप कार्यक्रम में कॉल कर रहे होते हैं, आपकी कॉल कट हो जाती है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप कार्यक्रम के बाद भी हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप संस्थान के नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के बाद अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 8 से 4 तक आप किसी भी समय अपनी समस्या का समाधान कॉल करके पूछ सकते हैं, संस्थान का नंबर लगातार चलाया जा रहा है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। जो भी आपका सवाल है आचार्य जी से सुन रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। हेलो आचार्य जी, नमस्कार। जय श्री राम भैया, कैसे हैं आप? हाँ आचार्य जी, मैं सौरभ गुप्ता बात कर रहा हूँ। जी गुप्ता जी, गुड़गांव से सर जी, बताइए। हाँ बिल्कुल आचार्य जी, आपसे मेरी बात हुई थी 2 महीने पहले, आपको याद होगा, और आपने मुझे पुखराज सजेस्ट किया था, पुखराज और मानिक, जो कि आपने अपने यहाँ से फिर पूजा करवा के दिया था मेरे को। प्रमोशन रुका हुआ था आचार्य जी, मैंने गुड न्यूज बताने के लिए कॉल किया। मैं काफी टाइम से सोच रहा था आपसे बात हो पाए, पर बात ही नहीं हो पाती आपसे, बड़ा मुश्किल होता है आचार्य जी बात कर पाना जी। और मेरा प्रमोशन हो गया आचार्य जी सौभाग्य से, और ये जो रत्न आपने दिए हैं कहीं ना कहीं मेरे लिए रामबाण का काम कर गए। चलिए बहुत सुंदर है, भगवान राम का। मेरे ऑफिस के अंदर भी मैंने काफी लोगों को बताया था, तो आचार्य जी बस थोड़ा सा मार्गदर्शन चाह रहा था कि वो लोग मिलना चाह रहे हैं आपसे जी। 5-6 हैं हम और वो चाह रहे हैं, तो मुझे कृपया मार्गदर्शन करें कैसे मिल सकते हैं आपसे, कहाँ मिलना होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि भगवान राम के आशीर्वाद से आपका प्रमोशन हुआ है। मेरे द्वारा या मेरे संस्थान के द्वारा दिए हुए रत्नों के कारण प्रमोशन हुआ है, इसके बजाय आप भगवान राम का धन्यवाद करें, उनके आशीर्वाद से आपका प्रमोशन हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे यहां से कोई चीज प्राप्त हुई इससे प्रमोशन हुआ है, भगवान राम का आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो जाए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि जापर कृपा करहिं जन जानी कभी उर अजीर नचावहि बानी। जिस पर भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए उसका जीवन स्वतः ही परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। जो रत्न आपने संस्थान से धारण किया है वो श्री रामचरितमानस पाठ के द्वारा पूरी तरह प्रतिष्ठित थे, इसलिए आपको उनसे लाभ की प्राप्ति हुई है। आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, हमेशा जब कार्यक्रम चलता है तो नीचे संस्थान का नंबर होता है, आप उस पर कॉल करके अपना समय प्राप्त कर सकते हैं और फिर आकर के आप संस्थान में मुलाकात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, आपने कहा कि बहुत मुश्किल से बात हो पाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूं। शायद बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनकी मेरे से नियमित रूप से बात होती रहती है, मैं बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन बहुत लोगों की कॉल होने के कारण कई बार कारणवश आपसे बात नहीं कर पाता हूं। संस्थान में जो विशेषज्ञ मार्गदर्शक हैं, सभी लोगों की बहुत अच्छी जानकारी है, वो आपकी पहले डिटेल नोट करते हैं, मुझसे संपर्क करते हैं, मुझसे डिस्कस करने के बाद अगर मैं नहीं बात कर पाऊंगा तो मेरे द्वारा बताए हुए चीजों को ही आपको आगे बताया जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, भगवान के आशीर्वाद से इतना सुंदर लाभ हुआ है, मैं आपसे निवेदन करूंगा आकर संस्थान में मुलाकात कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण होगा।
बिल्कुल दर्शकों, जैसे कि अभी आचार्य जी ने बताया है कि अगर आपकी कॉल यहाँ पे नहीं लग पा रही है या फिर आचार्य जी से आपकी बात नहीं हो पा रही है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से भी आचार्य जी से मिल सकते हैं या फिर कॉल के माध्यम से भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार संस्थान का नंबर चलाया जा रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं और अपने जीवन में चल रही हर एक समस्या का समाधान आप आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप श्री रामचरित मानस सिद्ध कवच यानी कि प्रभु रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि श्री रामचंद्र जी की शक्तियों से आपको सिद्ध किया गया है, चौपाइयों से सिद्ध किया गया है, आपके ग्रहों के माध्यम से, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, सिद्ध रत्न प्राप्त कर सकते हैं और रुद्राक्ष भी आपको संस्थान में मिल जाएगा। आपको ऑर्डर करने के लिए संस्थान के नंबर पर संपर्क करना है। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। दर्शकों, वक्त तो चला है आगे की तीन राशियों के बारे में जानने का। आचार्य जी, आगे की तीन राशियों के बारे में जानना चाहूंगी। चतुर्थ राशि कर्क के लिए अगर आज की परिस्थिति की बात की जाए, एक अच्छी परिस्थिति है, मन में प्रसन्नता रहेगी, जो कार्य बहुत दिन से बिगड़ रहे थे वो कार्य बनेंगे। खैर, राहु गोचर कर रहा है इस राशि में, इस कारण से मानसिक तनाव जरूर रह रहा है, लेकिन परेशान ना हो, भगवान शंकर की आराधना करते हुए आज दिन की शुरुआत कीजिए। आज आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। दो का अंक लाभप्रद है, सफेद रंग लाभप्रद है। शुभ समय आपके लिए रहेगा सुबह 9 से लेकर 10:30 बजे तक का। दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि सिंह के जातक, आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम है। पिता को प्रणाम करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आज आपके लिए 6 का अंक और पीला रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय शाम का होगा 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक का। दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। बात करें राशि कन्या के जातक के बारे में, आज का दिन आपके फेवर में नहीं है। पति पत्नी के आपस में विवाद होने की संभावना है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि मामला शायद कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए, इसलिए पारिवारिक सामंजस्य बेहतर रखने का पूरा प्रयास कीजिए। कोशिश करें सुबह गंगा जल पान करके दिन की शुरुआत करें। आज आपके लिए सफेद रंग बेहतर रहने वाला है, 3 का अंक बेहतर रहने वाला है। शुभ समय आपके लिए रहेगा 2:10 से लेकर 2:40 तक का। दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। आचार्य जी ने 6 राशियों के बारे में बता दिया है, आगे की 6 राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। जो भी आप जानना चाहते हैं आप जान सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आचार्य जी आपको सुन रहे हैं। हेलो। हेलो आचार्य जी, नमस्कार। जय श्री राम भैया। हाँ आचार्य जी, हम आपका प्रोग्राम देखते हैं डेली सुबह सुबह, तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं जी बहुत धन्यवाद। हम लखनऊ से बोल रहे हैं सर, हमारा नाम राकेश कुमार है। जी राकेश जी। हाँ, हम पूछना चाहते हैं, हमारे जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस संपूर्ण रूप से आगे स्थगित नहीं हो पा रहा है, पूर्ण रूप से हमें सफलता नहीं मिल पा रही है बिजनेस में। डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। हाँ जी, हमारी डेट ऑफ है 31/10/1987। 31 अक्टूबर 1987। टाइम बताइए। हाँ, रात के 2 बजे। रात को 2 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? हाँ लखनऊ में हुआ है जी। आपके बिजनेस में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है? हाँ जी, हाँ जी जी। जैसा कि वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के यदि आपकी कुंडली को लेकर के देखा जाए, निश्चित रूप से सफलता। एक बात बताइए, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है क्या? इतना नहीं रहता, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चलता ही है, रहता है, ज्यादा नहीं रहता मतलब। अच्छा, धन का व्यय हो रहा है? हाँ धन का व्यय हो रहा है, मगर बिजनेस में मतलब पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पा रही है। जो परिवार का बिजनेस है वो सफलता नहीं मिल पा रही है। ठीक है। गले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहती आपके? नहीं पंडित जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, गले में दिक्कत नहीं रहती है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, कभी घर से भागने इत्यादि का मन तो नहीं हुआ आपका? नहीं, ऐसा विचार तो नहीं आया पंडित जी। आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 25 फरवरी 2018 तक का समय बहुत विपरीत है। गुरु की दशा चल रही है, केतु का अंतर चल रहा है, दोनों परिस्थितियां आपके विपरीत हैं। 2018 फरवरी तक का समय खराब है, तब तक ध्यान रखेंगे, उसके बाद जाकर के परिस्थितियां आपकी बेहतर होंगी। ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने बताया है, लड़ाई झगड़े का माहौल, घर से भागने का माहौल, धन के अधिक व्यय होने का, ये तीनों चीजें फरवरी तक आपके साथ होने वाली हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों चीजें अपने दिमाग में रखते हुए परिस्थितियों को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। केतु हमेशा इन सब चीजों संबंधित दिक्कतें उत्पन्न करता है, मंगल द्वितीय भाव में है। केतु और मंगल का द्वितीय भाव में होना घर की परिस्थिति के लिए अच्छा संयोग नहीं दिखाता है, तो इस समय तक सावधानी रखेंगे, आगे परिस्थितियां बेहतर होंगी, जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहेगा। बिल्कुल दर्शकों, हमारे कार्यक्रम का बस एक यही उद्देश्य रहता है कि आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान श्री रामचरित मानस की सिद्ध चौपाइयों के माध्यम से और आचार्य जी के बताए हुए अचूक उपायों के माध्यम से दिया जाए। अगर आप भी चाहते हैं और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, आप चाहते हैं कि उन समस्याओं को दूर
किया जाए तो आप व्यक्तिगत रूप से आचार्य जी से मिलकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाया जा रहा है, संस्थान के नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। अब वक्त हो चुका है आगे की तीन राशियों के बारे में जानने का। आचार्य जी, आगे की तीन राशियों के बारे में जानना चाहूंगी। सप्तम राशि तुला के लिए आज सबसे बड़ा ध्यान का क्या रखने वाली बात है, शब्दों को संभाल कर प्रयोग कीजिएगा। संभाल कर नहीं प्रयोग किया दिक्कतें निश्चित रूप से होंगी। जल्दबाजी नहीं कीजिए, कार्य करना है आराम से सोचिए, दूसरों से पूछिए, फिर उस कार्य पर आगे बढ़िए। अगर नहीं समझ आ रहा है बड़ों से राय लीजिए तो जाकर के आज दिन में अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। आज आपके लिए तीन का अंक बेहतर रहेगा, लाल रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय आपके लिए रहेगा 10:30 से लेकर 11:30 बजे तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। बात करेंगे राशि वृश्चिक के जातक के बारे में। आज मन में प्रसन्नता रहेगी, दिमाग में स्थिरता रहेगी, लिए हुए डिसीजन बहुत लाभप्रद होंगे। भूमि या वाहन खरीदना चाहते हैं तो आज का किया गया प्रयास आपके लिए सफल होगा। आज आपके लिए 5 का अंक बेहतर रहेगा, लाल रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय आपके लिए रहेगा आज दोपहर का 1:10 से 2:30 तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। बात करेंगे राशि धनु के जातक के बारे में। आज थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, धन का अपव्यय ज्यादा होने वाला है। मेडिकल से रिलेटेड कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, दवाई से रिलेटेड कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, आज का किया गया प्रयास आपके लिए सफल होगा। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें रहेंगी जिसको लेकर आप चिंतित रहेंगे। भगवान शंकर की आराधना करते हुए दिन की शुरुआत कीजिएगा। 1 के अंक का और पीले रंग का प्रयोग कीजिएगा। शुभ समय आज आपके लिए रहेगा 10:30 से 11:30 बजे तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने 9 राशियों के बारे में हमें बता दिया है, आगे की 3 राशियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन वक्त हो चुका है आज के विषय पे लौटने का, तो आइए आचार्य जी से चर्चा शुरू करते हैं। आचार्य जी, जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि मंगल रेखा किस तरह से कार्य करती है, हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है, और अभी हमने कॉल्स के माध्यम से जाना और आपने भी हमें बताया कि श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच कितना लाभकारी है, हमारे जीवन में कितनी सारी समस्याओं को दूर करता है। तो क्या अगर मंगल रेखा प्रतिकूल हो गई और उसको अनुकूल करने के लिए श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच कितना लाभकारी रहेगा? मैंने आपको बताया था हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। मंगल रेखा हमारे लिए जितनी अच्छी है उतनी ही बुरी भी है। मैंने अच्छी के बारे में बताया और बुरी के बारे में। मैंने बताया था कि आपको यदि मंगल रेखा मंगल क्षेत्र से निकल करके जीवन रेखा के साथ साथ चली जाए तो जीवन रेखा की सहायक रेखा बन जाती है, यानी जीवन में दुर्घटना होना है, जीवन में चोट लगना है, ये सारी दिक्कतें मंगल रेखा यदि बनी है तो नहीं होंगी। जीवन रेखा यदि कहीं खराब भी है और मंगल रेखा साथ में बनी है तो वो दिक्कतें आपके साथ नहीं होंगी। जीवन रेखा पतली बनी हुई है, जीवन रेखा या अत्यधिक मोटी हो गई है, नहीं कार्य करने लायक है, और मंगल रेखा बन गई है तो आप परिश्रम करते हैं, परिश्रम के बल पर अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यह है जीवन रेखा की अच्छी चीज, मंगल रेखा की अच्छी चीज। अगर इस प्रकार मंगल रेखा बनी है, आवश्यक नहीं है कि आप कोई उपाय करें, बिना उपाय के भी आप जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मंगल के लिए एक श्लोक है, धरणी गर्भश्रम भूतम विद्युत कांति समप्रभुम कुमार शक्ति हस्तम चा भौमम प्रणमाम्यहम। मंगल को कुमार कहा जाता है, मंगल ऊर्जावान ग्रह है। अगर वहीं पर मंगल रेखा जीवन रेखा के बीच से प्रारंभ होकर के निकलती है, यहां से जीवन रेखा से निकलती है तो व्यक्ति के स्वभाव को बिल्कुल विपरीत कर देती है। ज्योतिष शास्त्र में कालपुरुष के अष्टम अंग में मंगल के विराजमान होने से मंगल को सबसे ज्यादा क्रूर ग्रह कहा जाता है। तो अगर जीवन रेखा के साथ से होकर के निकलती है तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आत्मविश्वास है, जो स्वभाव है, वो क्रूरता में परिवर्तित हो जाता है। और जब स्वभाव क्रूरता में परिवर्तित हो जाए तो जीवन में सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। आपका स्वभाव या आपके बच्चे का स्वभाव झगड़ालू हो जाता है, चिड़चिड़ाहट वाला हो जाता है, आक्रोशित भावना रहती है, सदैव बदले की भावना जागृत रहती है। ऐसी परिस्थितियां निश्चित रूप से जीवन को बहुत संघर्षपूर्ण बनाने वाली होती है। ऐसी परिस्थिति में जब हम श्रीरामचरितमानस सिद्ध कवच धारण करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो मानसिक शक्ति है वो संतुलित हो जाती है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं सदैव वो जागृत रहती हैं। तो हमें क्रोध आता है, क्रोध आना आवश्यक है, यदि क्रोध ना आए तो निश्चित रूप से वो भी दिक्कतें हैं। श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने भी क्रोध किया है, सुंदरकांड में है कि विनय न मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। बिना भय के किसी कार्य को, कई लोग ऐसे हैं जिनके प्रति भय ना दिखाया जाए और वो कार्य हो जाए उसकी संभावना नहीं होती है। लेकिन वो क्रोध कौन सा होगा? समय पर होगा, जिसका कोई ना कोई लॉजिक होगा। बिना लॉजिक वाला जो क्रोध है वो नुकसान देता है। तो श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच
धारण करने से विशेष रूप से हमारी जो सात्विक ऊर्जा है वो जागृत रहती है, हमारी ज्ञान इंद्रियां जागृत रहती हैं, तो हम समय पर ही क्रोध कर पाते हैं। जो मंगल की विपरीत परिस्थिति है, जो हमें ज्यादा क्रोध दिलवाने वाली थी या आक्रोशित करने वाली थी या बदले की भावना जगाने वाली थी, वो सारी चीजें दब जाती हैं और हमारे अंदर एक अच्छा स्वभाव उत्पन्न होता है जिससे कि हम जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि मंगल रेखा की कहीं भी परिस्थिति खराब है और हमने श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच धारण किया है तो निश्चित रूप से उससे हमें सफलता प्राप्त होगी और हम अपने जीवन को काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। तो बिल्कुल दर्शकों, तो देखा आपने कि श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच और सिद्ध चौपाइयां हमारे जीवन में कितना प्रभाव करती है, कितना प्रभाव डालती है और हमारे जीवन को अच्छा बनाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छे से व्यतीत हो तो आप श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवा सकते हैं। आप धारण करके देखेंगे और देखेंगे किस तरह से आपका जीवन जो है बदल जाएगा और आपका जीवन संपन्न हो जाएगा। दर्शकों, वक्त हो चुका है आगे के तीन राशियों के बारे में जानने का। आचार्य जी, आगे के तीन राशियों के बारे में जानना चाहूंगी। काल चक्र के दसवां राशि मकर के लिए आज की परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। मन में प्रसन्नता रहेगी। शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाना चाहते हैं जरूर लगाएं, लाभ की प्राप्ति होने वाली। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आज किसी इंपॉर्टेंट पेपर पर सिग्नेचर करना है या कोई इंपॉर्टेंट डील होने जा रही है किसी बिजनेस की या मकान की या किसी भी चीज की, बहुत सावधानी रखिएगा। यहां पर धोखा होने का पूर्ण योग बन रहा है। सावधानी रखते हुए शुरुआत करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगी। आज आपके लिए दो का अंक लाभप्रद रहने वाला है, लाल रंग लाभप्रद रहेगा। शुभ समय आज आपके लिए रहेगा शाम का 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। बात करेंगे राशि कुंभ के जातक के बारे में। परिस्थितियां अच्छी हैं, मन को प्रसन्नता देने वाली हैं, मन को संतुष्टि देने वाली है। आज आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने वाले हैं जो असहाय थे, जिनके कारण आपके मन को संतुष्टि प्राप्त होगी कि मैंने कम से कम ऐसा कार्य तो किया जिससे मेरा दिन अच्छी तरीके से व्यतीत हुआ, जिससे मन में प्रसन्नता होगी। परिवार का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। आज आपके लिए 9 का अंक बेहतर रहेगा, लाल रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय आज आपके लिए होगा दोपहर 2:10 से 3:40 तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि मीन के जातक, आज आपकी परिस्थिति आपके विपरीत है। पति पत्नी के आपसी संबंध खराब होने वाले हैं, यहां तक कि माता पिता से भी संबंध खराब होने का योग बन रहा है और आपके शब्दों से आज समाज को पीड़ा पहुंचने वाली, इसलिए शब्द को संभाल कर प्रयोग कीजिएगा। माता पिता से और पत्नी संबंध अच्छे रहे ऐसे प्रयास कीजिएगा, पति पत्नी के संबंध बेहतर रहे ऐसे प्रयास कीजिएगा। आज गंगा जल का पान करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। आज आपके लिए 2 का अंक बेहतर रहेगा, काला रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय आपके लिए होगा सुबह 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत हो। भगवान राम से मेरी यही प्रार्थना है। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने कालचक्र की 12 राशियों के बारे में हमें बता दिया है कि किस तरह से आज हमारा दिन व्यतीत होगा। इसी के साथ एक जानकारी देना चाहूंगी कि अगर आप दूरदराज के क्षेत्र में रहते हैं, आपका संस्थान में आना संभव नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आचार्य जी आपके शहर में आ रहे हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको संस्थान के नंबर पर संपर्क करना होगा। जानकारी प्राप्त करिए और उनसे मिलिए और देखिए किस तरह से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उनका समाधान आपको मिलता रहेगा। अब वक्त हो चुका है आज के विशेष उपाय जानने का, तो आइए आचार्य जी से जानते हैं। आचार्य जी, आज का विशेष उपाय क्या होगा? विशेष उपाय बहुत ही सुंदर है, श्री रामचरितमानस की वो चौपाई जिनसे भगवान हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, इसके श्रवण मात्र से आपके दिन में आने वाली दिक्कतें दूर होंगी। चौपाई है, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। श्री रामचरितमानस में हनुमान जी की यात्रा के समय का यह दोहा है, क्षमा चाहूंगा। इससे आपको निश्चित रूप से अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आज का दिन श्रवण करने मात्र से बहुत उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने आज का विशेष उपाय बता दिया कि किस तरह से आज हमारा दिन व्यतीत होगा। दर्शकों, अगर आप व्यक्तिगत रूप से आचार्य जी से मिलना चाहते हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं, टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर आप श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवाना चाहते हैं, सिद्ध रत्न मंगवाना चाहते हैं या फिर रुद्राक्ष मंगवाना चाहते हैं, तब भी आप संस्थान के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। आचार्य जी, आज आपने हमें समय दिया, इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों, तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।